विक्रम वेधा के फ्लॉप होने को लेकर सैफ अली खान का बड़ा बयान। कहा, एक्टर्स को बहुत ज्यादा फीस मिल रही है लेकिन रिटर्न्स नहीं मिल रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉलीवुड नजर। पिछले दिनों ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेधा रिलीज हुई थी। 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 78 करोड़ की कमाई की, यानी फिल्म अपना बजट तक नहीं निकाल पाई। और अब बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप होने को लेकर सैफ अली खान ने अपना रिएक्शन दिया है। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में सैफ अली खान ने कहा कि विक्रम वेधा फिल्म की बहुत लोगों ने तारीफ की थी, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये नहीं चलेगी। किसी को नहीं पता कि क्या काम करता है और क्या नहीं। आगे जब उनसे 2022 में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादातर फिल्में फ्लॉप होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि लोग लगातार फिल्में बनाएंगे। एक्टर्स की फीस घटती बढ़ती रहेगी, लेकिन कुछ एक्टर्स की फीस तो बहुत ज्यादा है। स्टार्स को बहुत ज्यादा फीस दी जा रही है लेकिन रिटर्न्स अच्छे नहीं मिल रहे। आगे सैफ अली खान ने कहा कि देश की सिर्फ 2% पॉपुलेशन ही फिल्में देखने के लिए थिएटर्स में जाने का पैसा खर्च करती है, लेकिन अगर ये आगे बढ़कर 20% हो जाए तो इंडस्ट्री समृद्ध हो जाएगी। हालांकि सैफ का मानना है कि फिल्में देखने के लिए खर्च करने के लिए पहले तो लोगों को खुद पैसे भी कमाने होंगे। आपको बता दें कि विक्रम वेधा साउथ मूवी का हिंदी रिमेक थी, लेकिन फिल्म को साउथ फिल्म के ही डायरेक्टर पुष्कर और गायत्री ने डायरेक्ट किया था और IMDb पर भी फिल्म को 7.1/10 रेटिंग्स मिली थी। लेकिन अच्छे रिव्यूज के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। ये बात तो है कि किसी को नहीं पता कि थिएटर्स में या बॉक्स ऑफिस पर क्या चलेगा। फिलहाल सैफ अली खान के इस बयान पर आपकी क्या राय है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड नजर।